अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे देखने वाले जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, आमीन। अपन तिल और फली के बीज के पूरियाँ बना रहे हैं। फली के बीज भून लेना, अच्छा ब्राउन कलर का है था, अच्छा हेल्दी फूड है वो। बच्चे खाना वही नहीं खाए तो ऐसे तिल के पूरियाँ में कुछ भी बना के दे सकते हैं। ये दे, मैं छिलका निकाल दे रही फली के बीज का, सूप में डाल के लग रहे तो छिलका पूरा निकल जाता। गर्म गर्म लगाना, जल्दी निकल जाते हो छिट्टे। फ्रेश हो गया तिल डाल रही, तिल भून लेना। अच्छा तिल भी ब्राउन कलर के तक भून लेना। तिल फली के बीज ठंडे हुए तक अपन आटा भिगा लेंगे। अच्छा आटे नरम भिगा लेना आटा। अच्छा थोड़ा नमक डाल के, थोड़ा डालना, ज़्यादा नहीं डालना। मीठे पूरिया में नमक नहीं डालना। डालना नहीं तो नहीं, आपकी मर्ज़ी, मैं तो थोड़ा डाल ली। अच्छा आटे में थोड़ा तेल भी डालना, अच्छा नरम हो जाता आटा। देखो मैं भी थोड़ा तेल डाल दे रही, तेल डाल के भिगाए तो ज़रा नरम हो जाता जल्दी। दो हाथों से अच्छा मल के नरम होगा अपना आटा। शक्कर डाल लेना अपन, पाव किलो फली बीज, पाव किलो तिल के वास्ते आधा किलो शक्कर लगती। अच्छा मीठे होने वाले तो आधा किलो डालना। अच्छा ग्राइंडर कर लेना, पाउडर जल्दी पाउडर हो जाता शक्कर का। ये देखो होगा, देखो पाउडर। तिल भी ग्राइंडर कर ले रही, तिल भी जल्दी छोड़ाती, फली बीज भी जल्दी छोड़ती, इसको ज़्यादा काम नहीं लगता। तिल के पूरन पूरियों को, दाल के पूरियों को काम बहुत लगता, मगर इसको नहीं लगता। तिल की बुकनी हो गई, तो फली के बीज बुक ग्राइंडर कर रही हो, वो भी होगा तो फली के बीज और तिल दो भी मिला दी। अच्छा मिला ले के अपन थोड़ा शक्कर, फली के बीज, तिल वह सब एक जगह मिक्स कर लेना। और एक जगह मिक्स कर लेके इधर मैं मिक्स कर ले रही, देखो पूरा। अच्छा ज़रा ठंडा होगा तो शक्कर मिला ली, शक्कर का पाउडर मिला रही। देखो पूरा अपने को समझ में ऐसे तो डाल ले सकते अपन, थोड़ा नहीं, हम ज़्यादा मीठा नहीं खाते बोलते हो, थोड़ा कम भी कर ले सकते, अपनी मर्ज़ी हो। थोड़े में मीठा मीठा से रहना बोलते हैं, थोड़े में नहीं मीठा, ज़रा फीका भी रहना बोलते हैं अपन। मीठा मीठा करेंगे, पानी ज़्यादा नहीं डालना इसमें। आटा थोड़ा लेना, पूरन ज़्यादा लेना, पूरन ज़्यादा दिए तो पूरी अच्छा मीठी होती। अरे मैं पूरन भर ली आटे में, अच्छा बना लेना गोल गोल, कवर रख लेना, कवर के नीचे ज़रा घी लगा लेना। अच्छा घर का घी रहता अपना, टेस्ट आती पूरी, पूरी घी से टेस्ट आती, तेल से टेस्ट नहीं आती। और आटा भी नहीं डालना, आटा डाले तो सूखे सूखे कड़क हो जाती, नरम होती। देखो मैं सूखा आटा कहीं में भी नहीं डाली, देखो इतनी पतली, देखो देखा इसे और एक बना रही हूँ। अच्छा खाने में टेस्ट रहती, हेल्दी रहती, बना खाना घर में। देखो मैं घी डाल रही, ये घी भी मैं घर में बनी सो है। घी तवे पे घी लगाने के बाद रोटी डालना अपन, पहले नहीं डालना, जल जाती रोटी। डालना होने के बाद अपन अच्छा ये कर लेना हाथों की मदद से, कहाँ भी मोटी है तो करी तो प्रेस कर ले तो अच्छी हो जाती। अच्छी होने देना रोटी, साइडों से गोल। तेल घी डाल लेते हैं, देखो मैं अब पलटाती इसको, घी डाल दे रही मैं साइडों से। अच्छा अच्छा डालना, घी बहुत डाले तो अच्छा टेस्ट आता खाने में। तिल के पूरियाँ और दाल के पूरे में घी ज़्यादा रहना, सबसे ज़्यादा चीज़ घी है तो बहुत टेस्ट आते पूरियाँ, देखने वालों को भी अच्छे दिखते। अच्छा गोल ऐसा पलटा लेते हुए डालना उसको, कि बोलते बीच में एकदम बीच में रखे तो नो जल जाती। ये देखो मैं गोल पूरी हुई, देखो पूरे तरफ से क्यों नहीं कैसा फूल रही, देखो पूरी, देखो कितनी अच्छी हुई दिख, जल कहाँ तो जली कहाँ भी नहीं जली। और देखो कैसा फूल रही पूरी, ऐसा फूल रही तो अंदर भी पक जाती। और एक डाल ले रही मैं, और एक बताती डाल के, पूरन भी अच्छा डालना, मीठे आते पूरन पूरियाँ। थोड़ा पूरन डाल के आटा ज़्यादा डाले तो भी मज़ा नहीं आते, वो आटा आटा रहती हो, खाने का मज़ा नहीं रहता। वो बच्चों को बहुत पसंद, हमारे मेरे को पसंद नहीं है। दाल के पूरन पूरियाँ बहुत पसंद आते मेरे को, तिल के पूरन पूरियाँ पसंद नहीं आते। दारी देखो
हमारे पूरनपुरियाँ, अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करो प्लीज़। वीडियोस लेट आ रहे तो कुछ भी ना को समझो, रमज़ान है थोड़ा लेट हो रहे, रमज़ान के बाद इंशाल्लाह पूरे वीडियोस पूरे आएंगे आप लोगों को। मेरे चैनल को लाइक करो प्लीज़।